हाय, आई एम लाइव फाइनली। सो क्या हाल है भाई? एक सेकंड, मैं अपने यहाँ पे वाइट स्क्रीन लगा लेता हूँ अपने लैपटॉप पे। सो अच्छा, ज़्यादा मैं थोड़ा ना वाइट दिखूँगा मैं। हाँ, मैं पता हूँ मैं लाइव हूँ, अभी जस्ट मैं लाइव आया हूँ। इसको थोड़ा बड़ा किया जाए, यू नो। हाँ, पूरे पेज पे अब सही दिख रहा हूँ मैं, बीच में रख लेता हूँ। हाँ ठीक है। क्या हाल है भाई? लोग कैसे हो आप? बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूँ आज। जब कुछ कुछ लोगों से बातें करूँ, इतना मैं लाइव आना बंद कर दिया। पता नहीं, इंस्टाग्राम में उतना यूज नहीं करता हूँ, बट फिर भी थोड़ा मतलब यूज करता हूँ। वाह, थैंक यू वेरी मच। ये अनुषा की बहन है, लाइव भी आएगी। कुछ कहना है तुम्हें? हाय गाइस, शुभम को सपोर्ट करते रहो। सबको कसब करते रहो। ओह माय हिंदी सॉन्ग्स। नाइस, योर हिंदी इज गुड, वेरी गुड। प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग आवर द से समथिंग इन बंगाली। Oh, you have Bengali edition, right? Yeah, a lot of people understand Bengali. Oh my god, wait. Shubham, I'm freezing out. Arey, maine bhool gaya bol mai. Bhool gaya tu? No. Please, amar eta choto bhai okay sab samay support kori den. इसको बंगाली आती है, इसको हिंदी आती है, नेपाली आती है, इंग्लिश आती है, देन भूटानीज आती है। फाइव लैंग्वेज स्पीक। Wow. Support him is a great guy. Hi Bengali. Ye Bengali nahi hai. No, I'm not Bengali. She is Bhutanese. But she speaks Bengali. Hi my friend, come to Brazil. I'm planning to come to Brazil. Actually, I'm going to Mexico, so maybe I'll come to Brazil. Because she lives in Bangladesh from the last 6 years. That's why she speaks Bengali. Idhar bhi dhyan de do bhai. Hi bhai. Hello. Hi everyone. We know he is great. Thank you very much, brother. हेलो शुभम ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम गुड ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम करेंटली इन दुबई। मैं हाल ही में कल इंडिया से दुबई आया हूँ, एंड यूरोप की ब्लॉग मैं नहीं डाल रहा हूँ भाई। उतने अच्छे ब्लॉग्स बनी नहीं, मैंने वीडियो को देखा, मुझे वीडियो खुद पसंद नहीं आई। सो आई सेड यार, आई एम गोना स्किप ऑल द वीडियोस फ्रॉम यूरोप। मे बी समडे आई विल मेक अदर चैनल एंड पुट देयर, बट मैन चैनल वीडियोज लेवल की नहीं है यार। पीजी में कुछ जान ही नहीं लगा। आई एम गोइंग टू मैक्सिको टू नेक्स्ट मंथ। लेट्स मीट देन इन मैक्सिको। कभी तो रिप्लाई कर दियो करो शुभम भाई। टकीला कुछ पीना है? चाय कॉफी मैं बनाता हूँ। चाय कॉफी कुछ पीना है? डू यू वांट? डू यू वांट कॉफी? नो, आई डू वांट मेक समथिंग नाउ और आई विल मेक समथिंग। कैन यू मेक? हाँ बना सकता हूँ मैं। क्या बनाओ बताओ? कॉफी। अब ठीक है, बना देता हूँ। वो इंस्टेंट बन पाएगा मुझसे? पानी गर्म कर दो। ठीक है। हेलो ब्रदर, उत्तराखंड से हूँ, देहरादून में हूँ। प्लीज, छोटी भाई बनाएगा आज ब्रदर। यहाँ पे अभी कोई क्यूल से देख रहा है क्या? क्यूल है एक जंक्शन, अगर आप कोई देख रहे हो या जान पहचान है आपके क्यूल से, तो थोड़ा मुझे कुछ काम है इन क्यूल जंक्शन ओनली इन नेक्स्ट वन आवर। अगर कोई क्यूल से देख रहा है तो फ्रॉम क्यूल जंक्शन, जो कि भागलपुर एंड पटना के बीच आता है। वेर आर यू? आई एम इन दुबई नाउ। एंड देन आई वेरी सून आई विल गो टू एक इंटरेस्टिंग कंट्री, जो आपको मैं बाद में बताऊंगा। एंड देन आई वेरी सून आई लीव फॉर मैक्सिको एंड यूरोप। पहले मैं यूरोप जाऊंगा। आई गॉट अगेन यूरोप सेंगन वीजा, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ सेंगन वीजा के ऊपर, कि हाउ आई गॉट माई सेकेंड टाइम वीजा। इस बार मैंने मांगा था वीजा एक्चुअली भाई 1 सालों का, बट मुझे 3 महीने का ही दिया उन्होंने वीजा। सो लिव इट, क्या कर सकते। 3 महीने बस टाइम होता है। कैन गो टू मैक्सिको, क्यूबा, यू नो, गुटमेला, हंडुरस, एल सल्वाडोर, और कौन कौन सी कंट्री सारे जा सकता हूँ 3 महीने के। सुबह मेक टी बना रहा हूँ, अनुषा बना रहा हूँ। आई एम फ्रॉम भागलपुर। अनुषा इज ऑल्सो वॉचिंग लाइव। से समथिंग। कम होम सून। व्हाट इज शी लाइक? शी सेड मेक सम चाय। इज देयर ऑलरेडी द वन दैट आई मेड सम चाय? हां, ऑलरेडी बना पड़ा हुआ है वहां पे। ओके, ज़्यादा बना लिया ना तुमने। हेलो एवरीवन भाई, आई एम फ्रॉम औरंगाबाद बिहार। हेलो, नमस्ते। या तो भाई, कहाँ जाने की सोच रहा था? मैं प्लान बता रहा था, अपनी ट्रैवल प्लान्स बता रहा था। तो पता नहीं यार, मैं जाऊँगा मैक्स प्रोबेबली क्यूबा, मैक्सिको, गुटमेला, होंडुरस, एल सल्वाडोर एंड विच मोर कंट्री आई एम प्लानिंग टू गो, मे बी कोस्टारिका एंड पनामा। ये प्लान है, बाकी देख लो क्या होता है। आई ऑल्सो रियली वॉन्ट टू गो टू सूरीनाम। मैं ट्राई कर रहा था फ्लाइट्स वगैरह देखने की। ओनली रीजन टू गो टू सूरीनाम बिकॉज दे स्पीक हिंदी एंड नॉट ओनली नॉर्मल हिंदी, दे स्पीक बिहारी हिंदी। तो मैं
खुद को रिलेट कर पाऊंगा। और एक्चुअली वहाँ पे भोजपुरी वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस सूरीनाम में। सो एक्चुअली जो पहले जो 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 ट्रेड गए हुए थे ना, इंडियंस जो गए हुए थे, खास खास के बिहारी जो गए हुए थे, तो वहाँ पे वो भोजपुरी बोलते हैं। तो आई रियली ट्राई टू गो कि वहाँ जाऊँगा और लोगों से बातें करूँगा अपनी मदर टंग में, जो कि मैं बहुत ही कम यूज़ कर पाता हूँ। एक्चुअली मैं फिजी के वीडियो भी देख रहा था, तो मेरा फिजी मॉरिशस एंड गुआना एंड सूरीनाम जाने का बहुत मन है भाई, क्योंकि वहाँ पे हिंदी बोलते हैं एंड नॉट लाइक नॉर्मल हिंदी, दे स्पीक बिहारी हिंदी। द ओनली रीजन टू गो देयर एंड द प्रेसिडेंट, आई वाज वाचिंग द प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम, वो भाई भोजपुरी में बोल रहा था, मतलब फराटेदार भोजपुरी में बोल रहा था। राम राम भैया, राम राम, क्या हाल है सबका? वेयर आर यू? मैं फिलहाल इस वक्त हूँ दुबई में, दुबई। कोटा से बहुत बहुत प्यार भाई, कोटा से थैंक यू भाई। कोटा में अब आप कभी कोटा आ नहीं पाया यार, इस बार मैं इंडिया से 10 दिनों के लिए रहा। एक्चुअली शुभम, वी विल मेक टी यू व्हेन यू कैन ज्वाइन। इनको तो इस बार टाइम नहीं है, तो अगली बार ही मिलेंगे। अब क्या बोल रहे हैं लोग? नाइस नाइस, चेक माय पेज ब्रो, बिग फैन। दुबई में कहाँ पर? जब तो डॉक्टर भाई वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं, उन्होंने यूट्यूब से संन्यास ले लिया। एक टाइम आता है ना सब, तो मैं भी खोजे कि कभी कुछ दिनों में या सालों में या यू नो 10 सालों में 15 सालों में यूट्यूब से संन्यास मैं भी ले लूँगा, अभी तो कोई प्लान नहीं है। हेलो अकबर, अकाउंट कर दो नहीं तो अकाउंट हैक हो जाएगा। है ये क्या बोलना चाह रहे हैं आप? लव फ्रॉम हे शुभम, बिलास जाओ भाई, ये कहाँ पड़ता है? सूट आउट रिस्टॉक राहुल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, आई एम फ्रॉम यूपी। हरियाणा जाओ भाई, भाई आपको तो मज़ा ही आ जाता होगा ना ट्रैवल में। हाँ भाई मज़े ही है। भाई अभी शुद्ध मूसेवाला के फैन थे क्या? भाई एक्चुअली उनके बारे में जान के मुझे काफ़ी शॉकिंग हुई, कल ही पता चला है मुझे। एक्चुअली मैं उतने पंजाबी गाने सुनता नहीं था, तो मुझे उनके बारे में सिर्फ नाम पता था कि वो हैं कौन, और ऑफकोर्स जो फेमस बंदा होता है उनका नाम पता था, बट कल उनके बारे में और जान रहा था वगैरह वगैरह, मतलब बिलीव नहीं हो पा रहा कि जो हुआ यार। डेली शॉक में मतलब मुझे पता, मतलब मुझे नाम सुना हुआ था, मेरे फ्रेंड्स वगैरह दुबई में कुछ दिन पहले आ रखे थे, तो कुछ लोग दुबई में जाने वाले थे, और अगर मैं रहता साथ मैं भी चले जाता, लेकिन जब मैंने सुना तो मुझे हैरानी हुई, मुझे लगा क्या ये पहले मुझे लगा कि यार पता नहीं आजकल यू नो नए नए बीमारियाँ जाती रहती हैं, तो कुछ हार्ट अटैक वगैरह हो गया होगा, क्योंकि बड़े बड़े यंग लोग को भी अलग अलग बीमारियाँ चले जाते हैं। लेकिन जब ये सुना कि ये उनका जो मतलब लाइक मर्डर हो गया, एंड देन वीडियोज़ वगैरह देखी यू नो CCTVs वगैरह, मुझे देख के मतलब दिल दहल गया। हेलो एवरीवन, भाई डेली वीडियो डाला करो। अभी मैं वीडियो एडिट करने के लिए बैठा था, एंड देन अमेरिका, भाई अमेरिका का मेरा मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है, मुझे मिला है अपॉइंटमेंट जनवरी का, बट प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि जो मेरा पासपोर्ट है, मेरा सेकंड पासपोर्ट है भाई, मेरा 64 पास पेज वाला सेकंड पासपोर्ट है, ये भी बढ़ गया, 4 पेज बचे हैं, वो भी आज एक मिनट वीजा अप्लाई कर दिया, अब 3 पेज बचेंगे मेरे पास। और मेरा अपॉइंटमेंट मिला है मुझे US का इन जनवरी, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस पासपोर्ट को लेकर मैं 3 पेज में ये जनवरी तक कैसे चलाऊँ। तो आई थिंक आई वी नीड टू गेट अ न्यू पासपोर्ट बहुत जल्द, 3-4 दिनों में पासपोर्ट मुझे लेना पड़ेगा, आई थिंक बिफोर गोइंग टू मैक्सिको एंड क्यूबा आई विल गेट अ न्यू पासपोर्ट। अब मुझे पैसे दे दिए यार $60, 12,000 भी उन्होंने ले लिए US वाले। अब मैं क्या अगर उस पुराने वाले, पता नहीं यार कोई कनेक्शन बैठ सकता है कि वो मेरे 12,000 रुपये बच जाए, और वो मेरा जो अपॉइंटमेंट जो मेरा जनवरी में मिल रखा है इंडिया में, वो मैं ले सकूं एंड मुझे वापस से पे नहीं करना पड़े, क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट अब नया हो जाएगा, जो पासपोर्ट मेरा जो ओल्ड पासपोर्ट जिसमें मेरा अपॉइंटमेंट ले रखा है वो कैंसिल कर देंगे देते हैं। तो कोई उपाय बताएं अगर आपको किसी को पता हो कि ऐसा हो सकता है कि क्या मैं एक नए पासपोर्ट विद ओल्ड पासपोर्ट नया US वीजा अप्लाई कर सकता हूँ विद सेम अपॉइंटमेंट, और मुझे चेंज करना पड़ेगा तो फिर मुझे वापस से DS-160 बढ़ना पड़ेगा, तो वो सब कुछ ही को पता है तो जरा बताएं। हेलो भाई, हाय भाई, आपकी पूरी जर्नी के बारे में बताओ स्टार्टिंग से प्लीज़, आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्टिंग। एक मैंने वीडियो घर पे बनाया है, तो वो जल्द ही डाल दूंगा 3-4 दिनों में। जर्मनी में कहाँ कहाँ घूमे आप? मैं जर्मनी में गया था फ्राइबर्ग, और बर्लिन में था जर्मनी में, मुनिक में था, उसके अलावा और कहाँ था? अरे तरन भाई, आपके पास एक्सपीरियंस है क्या ये वाला, इज पॉसिबल?
ठीक है, मैं आपसे आपसे बात करता हूँ इसके ऊपर, मैं आपका कॉल ही कर लेता हूँ अभी आधे घंटे में, क्योंकि मैं परेशान हो रहा था कि क्या करूँ नहीं करूँ, कैसे मैं एक पासपोर्ट जो कि मेरा ऑलरेडी पासपोर्ट भर चुका है, तो हालांकि दुबई में पासपोर्ट बहुत जल्द मिल जाता है यार, दो दिन में पासपोर्ट देते हैं यहाँ पे, हालांकि थोड़े पैसे लेते हैं दुबई न्यू पासपोर्ट, क्योंकि मेरा पासपोर्ट ऑलमोस्ट फुल है भाई, एंड मेरे पासपोर्ट पर ना एक थोड़ा गंदा हो रखा है भाई, इतने इतने एम्बेसी जाएगा तो पासपोर्ट गंदा होना ही है, उस पासपोर्ट पे अराउंड उस पासपोर्ट पर कितने वीजाज लग चुके हैं, एटलीस्ट लाइक 16-17 स्टिकर वीजा है उस पासपोर्ट पे, एंड देन देयर लॉट ऑफ स्टाम्प्स, मैं इस पासपोर्ट को 2 सालों से चला रहा हूँ, तो पासपोर्ट थोड़ा सा हो जाता है, मेरे पास थोड़ी रहता है पासपोर्ट, वो तो एम्बेसी मेरा पड़ा रहता है हाफ ऑफ द टाइम, तो क्या करूँ मैं, आज भी एम्बेसी गया, परसों ही मेरा सेकंड वीजा लग के आया था एम्बेसी से, और वापस से मैंने आज इसको एक नए एम्बेसी में भेजा, जो कि मैं 4 तारीख को निकलूंगा, उस जो मेरा वीजा लग रखा है वहाँ से मैं 4 तारीख को निकल जाऊंगा, एंड देन अगेन मैं जाऊंगा वहाँ से साउथ अमेरिका की तरफ, तो वहाँ भी वीजा वगैरह लगेंगे यार, पासपोर्ट बढ़ जाता है, पता है मैंने कितनी बार इमिग्रेशन ऑफिसर को बोला है प्लीज भाई यहाँ भी स्टाम्प कर दे यार, वो एक बार मुझे याद है बेल्जियम में मेरा स्टाम्प कर रहा था, बोले सॉरी कैन यू स्टाम्प प्लीज देयर, लाइक प्लीज पेज बचाने पड़ते हैं भाई, पेज बचाने पड़ते हैं, एक पेज मेरे लिए कीमती है। कूल हेयर स्टाइल भाई, क्या मैं बना रहा था ना, चलो कैसे बना लो तुम, मैं रात को बनाता हूँ आज कुछ खाना, मिल्क मैं ब्लैक नहीं पी पाऊंगा, सो गो टू बुर्किना फासो, यार बुर्किना फासो ऑलमोस्ट मैं चला गया था, मैं एक्चुअली मेरा माली का वीजा लग गया था, मैं माली जाने वाला था बट पता नहीं मेरा वापस से ईरान का वीजा लग गया, तो मैं चला गया ईरान, डू कम टू अटलांटा जॉर्जिया, अगर वीजा लग गया मेरा इन जनवरी तो मैं आऊंगा अटलांटा, देखता हूँ। हेलो भाई, हाय, अभी तो सुनो मैं सेंगन लग गया तो मैं एक कनाडा का वीजा अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ना यूएस और कनाडा वीजा से यूएस कनाडा ही नहीं जाना है, मतलब मेरा इंटरेस्ट बहुत सारे कम है, लेकिन अलग अलग कंट्री में जाए, जैसे कि चिले, एंड चिले का मैंने वीजा अप्लाई किया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मेरा वीजा, एंड रिजेक्ट नहीं किया, पता नहीं उन्होंने बोला कि वापस से कुछ कुछ करो भरो वगैरह वगैरह, दिमाग खराब कर देते हैं वीजा के लिए कभी कभी यार, ब्राज़ील के मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है दुबई में, तो इतने इतने यस आई गॉट वीजा नो पासपोर्ट आई जस्ट आई लॉस्ट माई स्पेन एज यू नो। अच्छा तो मतलब मैं आपको कॉल ही कर लेता हूँ, मैं कन्फ्यूज ऐसे आप कहाँ कितने लिखोगे, मैं आपको जस्ट कॉल कर लेता हूँ इसके कॉल के बाद ही, मेरा नंबर ऑन ना, ओके मैं आपको कॉल ही कर लेता हूँ 10-15 मिनट में ही, एक ट्रैवलिंग टैलेंट जर्नी इन वन पीपल वीडियो गो टू ताइवान वीजा ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर टूरिस्ट, रियली ताइवान जाने का मेरा मन है, हो सके जल्दी चले जाऊँगा ताइवान, फिर तो मैं ताइवान जापान साउथ कोरिया जाने का मेरा पूरा मन है, एंड मेरे पास वीजा पड़ा हुआ है सेंगन का ओल्ड वीजा, तो आई डोंट नीड वीजा टू गो टू ताइवान, अगर आपके पास कोई भी ओल्ड सेंगन जापान यूएस कनाडा यूके का अगर वीजा आपके पास है तो यू डोंट, मतलब मुझे ना वीजा के बारे में इतना पता हो गया, इतने इतने वैसे इतने रिसर्च किए हैं कि मुझे पता होता है कि मुझे पता होता है कि कौन सा वीजा कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ऑलमोस्ट मुझे आइडिया हो गया है यार, मैं एक बार एक देख रहा था ना, सो आई कैन राइट, मतलब मैं सारे देश का नाम लिख सकता हूँ बिना इन 15 मिनट्स, एवरी कंट्री नेम वहाँ पे एक आता है 15 मिनट्स या 5 मिनट्स, मैं ब्रेड के साथ गेम खेल रहा था तो मुझे पता है एग्जैक्टली कौन कंट्री कहाँ पे है, किससे बॉर्डर लगता है, तो मैंने मैप इतना पढ़ा है भाई, मैप जो पढ़ाई की है मैंने भाई दुबई में स्कूबा डाइविंग करो, स्कूबा डाइविंग स्काई डाइविंग स्काई डाइविंग भाई यहाँ पे 42,000 रुपये का है, नॉर्थ कोरिया जो भाई चाइना बंद पड़ा हुआ, वरना मैं नॉर्थ कोरिया जाता ही, थोड़ी तो 42,000 रुपये यहाँ पे इसको बैठाई स्काई डाइविंग के 42 यार, डर लगता है मुझे सब चीजों से, हु इज बिहाइंड यू सर, ये अनुषा की बहन है, मैं अभी अनुषा के घर पे हूँ, तो मैं ये अनुषा की बहन है, ना भाई ना करो 42,000 रुपये भाई, इटली कब जा रहे हो यार, पता नहीं यूरोप में ट्रेवल करने का मेरा उतना मन नहीं कर रहा, एक बार मैं गया था 1.5 महीने रहा यूरोप में, पता मजा नहीं आया मुझे थोड़ा सा भी, हाउ डू यू मैनेज एक्सपेंसेस फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम यूट्यूब ऑनली, इराक बगदाद का हेल्प करो प्लीज भाई, मुझे अब खुद नहीं पता कैसे लेते हैं इराक का वीजा भाई, मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक बार मिल जाए तो बताता हूँ, मौज कर दी। ब्रेडन किधर है, अपने देश में है सर वो भाई, लखनऊ आओ मिलने, आता हूँ भाई, क्या हाल, मस्त, बिग फैन, थैंक यू भाई।
हेलो हाय। चलो भाई अब मैं चलता हूँ, लोग भी जा रहे हैं देर देर करके, तो अब मिलता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ही कम लाइव रहता हूँ, कभी कभी आ जाता हूँ। इंस्टाग्राम को ऐसा लगता है मैंने छोड़ ही दिया है, बट यूट्यूब पे कोशिश करूंगा। एंड यूट्यूब पे एक बहुत बड़ी वीडियो मतलब सीरीज आने वाली स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्द। चलो थैंक यू वेरी मच अनुषा की बहन अंजना। चलो बाय बाय।